हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को चरम सुख सौतेला प्यार की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है और आपको यहाँ एक माँ सीमा जी और उसकी बेटी रितु देखने मिल जाएगी। रितु के डैडी को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे और उसकी माँ से और ही अकेलापन नहीं सहा जाता, और उसकी माँ ने अपने लिए ढूंढ लिया था एक नया जीवन साथी जिसका नाम था जोसेफ, जिसके बारे में सीमा जी अपनी बेटी रितु को बता रही थी। लेकिन रितु इस डिसीजन से उतना कुछ खुश नहीं लग रही थी। अब सीमा जी अपनी बेटी को लेकर अगले दिन जोसेफ के घर पर पहुंच जाती हैं। रितु तो अब भी खुश नहीं लग रही थी, लेकिन जोसेफ का उसके और उसके माँ के प्रति प्यार देखकर इसका मन भी पिघल जाता है। जोसेफ रितु को रहने के लिए उसके बेटे एंथनी का रूम दे देता है, क्योंकि घर में और रूम नहीं थे। और एंथनी 10 साल से लंदन से घर नहीं आया है, ना ही उसका कभी फ़ोन कॉल आता है। अब रात को खाना वाना खाने के बाद रितु इन दोनों को बोलती है कि मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ में इसने इनके रूम को सजाकर सौगात वाला माहौल बना दिया था। अभी इन दोनों को रूम में लेके जाती है और बोलती है अब आप लोग रात भर एंजॉय कर सकते हैं। और अब ये वहाँ से चली जाती है, और अब जोसेफ और सीमा जी का चुम्बन चटाई शुरू हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और रात भर उस कमरे में सेक्स करके ये लोग खूब मजे करते हैं। और अब अगले दिन एंट्री होती है एंथनी की। ये सीधा घर में घुस जाता है और सीमा जी इससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और कहाँ घुसे जा रहे हो। तो तभी जोसेफ आ जाता है और बताता है कि ये मेरा बेटा एंथनी है। और एंथनी बोलता है मैंने आपके वेडिंग्स की फोटो फेसबुक पे देखी तो मैं चला आया। और एंथनी तो अपनी सौतेली माँ सीमा जी को गलत नज़र से देखे जा रहा था। अब एंथनी अपने रूम में जाकर कपड़े बदल रहा होता है, तभी बाथरूम से रितु निकलती है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है कि ये कौन है। और रितु भी इससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। अब इनके मम्मी पापा आते हैं और उनको ये सब बताते हैं, लेकिन दोनों तो रूम के लिए झगड़े जा रहे थे कि ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। अब इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि अब तुम्हें एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, और ये एक अच्छा तरीका है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाओगे। अब रात में जब रितु अपने लैपटॉप में अपना काम कर रही थी तो एंथनी इससे पूछता है कि वर्जिन हो, तो रितु इसे बोलती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। तो एंथनी इसे बोलता है कि तुम्हारे जैसी लड़कियों के तो लंदन में 5-6 बॉयफ्रेंड होते हैं। तो रितु इसे बोलती है कि मतलब तुम्हारी भी इतनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो एंथनी बोलता है हाँ, और ये रितु को उनकी फोटो दिखाने लगता है और बोलता है ये सब मेरी 1 नाइट स्टैंड है। लेकिन रितु बोलती है ये सब तो तुमसे ज्यादा एज में लग रही है। तो एंथनी बोलता है वहाँ का ऐसा ही है। अब एंथनी अगले दिन किचन में अपनी सौतेली माँ को बोलता है कि आपको देख के लगता नहीं कि आपकी रितु जैसी बेटी होगी, मतलब आप इतनी जवान हैं, आपका तो मेरी तरह एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। और ये तो उन्हें बार बार गंदे नजरों से देखे जा रहा था। बातों ही बातों में ये दोनों गले मिल जाते हैं, लेकिन गले मिलते ही एंथनी का हाथ कहीं और ही जा रहा था और वो सब सीमा जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे दूर हटा देती है और ये सॉरी वोरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब रात को जोसेफ को एक हफ्ते के लिए काम से बाहर जाना पड़ रहा था, लेकिन सीमा जी उसे चिल्लाए जा रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जा रहे हो। और ये सब तेज आवाजों को सुनकर रितु और एंथनी भी इनके कमरे में आते हैं। जोसेफ इन दोनों को बताते हैं कि क्या बात है, तो रितु बोलती है मम्मी ये सही कह रहे हैं, इन्हें जाने दो। लेकिन सीमा जी तो बस रोए ही जा रही थी। रितु अपने डैड को बाहर तक छोड़ के आती है और फिर अपने माँ को बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ, और एंथनी इनके कमरे में बस इन्हें चुप कराया जा रहा था। एंथनी इनकी उदासी दूर करने के लिए इन्हें रूम से बाहर लेके जाता है और इनको ड्रिंक पिलाता है। फिर एंथनी धीरे धीरे इनके साथ किस विस करने लगता है, और वो भी हाँ ना करते करते धीरे धीरे मान जाती है, और वो भी इसके साथ किस विस में खो जाती है। और अब एंथनी उनको रूम में लेके जाता है, और एंथनी जो चाहता था वो हो रहा था, और सीमा जी भी इसमें फुल मदहोश थी। अब धीरे धीरे एंथनी उनके सारे कपड़े उतार देता है और अब वो उनके साथ सेक्स करने लगता है। मतलब एंथनी अपनी सौतेली माँ के साथ ही सेक्स कर रहा था, और वो भी नशे में इसे मना करने के बजाय मजे लिए जा रही थी। और इसकी माँ की सेक्स की आवाज़ें रितु तक पहुँच रही थी, तो वो उठकर देखने आती है, और वो जैसे ही अपनी माँ के रूम में झांकती है तो वो देखती है कि एंथनी उसकी माँ के साथ सेक्स कर रहा है, और उसकी माँ भी उसे मना नहीं कर रही थी। और ये सब देखकर मानो इसके पैरों से जमीन निकल गई हो। इसे अपने आंखों देखा विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ये क्या कर रही है, मतलब साला पूरा पॉन ही बना दिया है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।